एंटरटेनमेंट के बारे में आई थिंक कभी कभार ऐसे कुछ सीन्स होते हैं जो लोगों को छू जाते हैं, और अगर वो अपने खुद की जिंदगी में से यूज़ करते हैं तो उनको उसका उपयोग होता है। आई थिंक दिस वॉज एक्चुअली अ सेफ्टी थिंग दैट बबी की एज फिल्म में, आई मीन आई गेस देयर वाज दिस कैरेक्टर थिंग वेयर शी इज ट्राइंग टू सेव दिस पर्सन, उसको उसको कॉन्शियस करके। एंड आई थिंक आई वाज रियली अमेज्ड कि एक फिल्म का इस किस्म का असर हो सकता है। एंड जनरली फॉर बबली आई थिंक दिस इज लॉट ऑफ लव, पीपल हैव रियली लव द कैरेक्टर। Yeah, I'm so lucky. Now you are coming up with a new OTT. Tell us something about the show, जो आने वाले समय में ना उसका उसका अलग से कुछ बना दीजिए, कब आने वाला है या पता है हमें जी करदा। लास्टली आज मैं मदर बंडा पर जब भी कोई फिल्म बनाते हैं चांदनी बार से लेकर आज तक, फीमेल सेंट्रिक जो उनका होता है, जो कैरेक्टर होता है, कितना स्ट्रॉन्ग मानते हैं और कितना जरूरी है फीमेल कैरेक्टर्स को पोर्ट्रेट करना एक लार्जर एंड लाइफ इमेज। आई थिंक वो और लोगों को अलग अलग नज़रिए से नहीं देखते, उनको इंसानी तौर पे देखते हैं, इसलिए शायद उनकी फिल्में फीमेल लेड होती हैं लेकिन सभी को पहुंचती हैं वो, बेशक मेन हो विमेन हो। सो आई हैव रिसीव्ड अ ग्रेट रिस्पॉन्स फॉर बबली एज अ कैरेक्टर। तमन्ना जी, आदि पुरुष का टीजर कल आया, काफ़ी चर्चा हुई उस टीजर पे, मिक्स रिव्यू आए, आपने देखा कैसा लगा आपको? मैंने सॉरी मेरा तो मतलब इतना काफ़ी रुकी हुई है, पर हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी अष्टमी एवरीवन। कल दशहरा है, कुछ एक विशेष दे दीजिए। सबको दशहरा की शुभकामनाएं, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करिए, विशिंग एवरीवन ऑल द हैप्पीनेस एंड गुड विशेस फॉर दशहरा। थैंक यू, क्लियर कर दीजिए। एक मिनट इधर रुकिए, इधर लाइट एक्शन सही है ये बताओ समझ लीजिए इधर देखिए। चलो अभी क्लियर कर दो।